हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज हम एक स्टोरी बताएंगे रामानुजाचार्य के और जगन्नाथ भगवान के संबंधित में। तो हम सब जानते हैं कि श्री रामानुजाचार्य स्वयं भगवान अनंत शेष के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, श्री रामानुजाचार्य आए जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथपुरी में जैसे ही आके पहुंचे और दर्शन कर ही रहे थे, तब तक ये तो दक्षिण भारत से इतने बड़े ब्राह्मण, साउथ इंडिया में हम जानते ही हैं कि वहाँ के जो ब्राह्मण हैं कितना थोड़ा सा उपचार, इतने सारे आचमन, तो विग्रह अर्चना कैसे करना चाहिए अगर सीखना है तो श्री रामानुज संप्रदाय से हमको सीखना चाहिए। अब ऐसा हुआ, रामानुजाचार्य आए और यहाँ पे जगन्नाथपुरी में देखा पंडा तो पान भी खा रहा है, सेवा कर रहा है, भगवान के सामने ही गाली दे रहा है, कुछ भी भगवान को नहीं किया, कोई अच्छे से कोई ढंग से कोई पूजा नहीं कर रहा है, ये क्या है सब, कोई पान खा के ठाकुर जी का सेवा करता है और जरूरत पड़े तो ठाकुर जी को गाली भी दे रहे हैं। वाह वाह। तो ये देख के रामानुजाचार्य ने बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और क्रोधित होके कहने लगे, क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई ठीक से आचमन नहीं कर रहा है, कोई ठीक से पूजा अर्चना नहीं कर रहा है, कोई नियम कानून नहीं, पान खा के भगवान की सेवा कर रहे हो, ये क्या है, मैं अभी जाके निकल राजा को कंप्लेन करता हूँ। तो तुरंत गए और राजा जी के पास जाके उनको कहने लगे कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई भी नियम कानून नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, मैं आदेश देता हूँ कि सबके सब जितने भी पंडा हैं सबको बाहर निकाला जाए और हम दक्षिण भारत से अच्छे अच्छे ब्राह्मण लेके आएंगे और यहाँ पे वो पूजा अर्चना करेंगे। और भारत के वो सबसे बड़े यतिराज उस समय के थे, तो उनका बात को ना मानना किसी का साहस ही नहीं था, इसलिए तुरंत राजा ने कहा ठीक है। तो ऑर्डर पास कर दिया गया कि हमारे मंदिर में जितने भी पंडा हैं सबको बाहर निकाला जाएगा और दक्षिण भारत से अच्छे अच्छे वैदिक ब्राह्मणों को ला के जगन्नाथ जी की सेवा में लगाया जाएगा। जैसे ही ये सुना तो सारे के सारे पंडा जो है मिलके बहुत दुखी हो गए और सबके सब जगन्नाथ जी के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु जगन्नाथ, हम आपके दास हैं, आप अगर हमको मारना चाहते तो मार दीजिए, अगर रखना चाहते तो रख लीजिए, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तो अधिकार, परंतु ऐसा दंड मत दीजिए, आपसे दूर मत करिए, कृपा करके आपसे दूर मत करिए, आप हमें दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे तो हमको स्वीकार है, लेकिन हम बाहर आपको छोड़ के नहीं जा सकते, प्रभु कृपा करो, हे पाहिमाम, हे त्राहिमाम, हे जगन्नाथ कृपा करो। तो इस प्रकार से जब रोने लगे तो जगन्नाथ जी ने कहने लगे, अरे आपको कौन बाहर निकालेगा, मैं आपसे ही सेवा अर्चना ग्रहण करूंगा, आपसे आपके हाथ से ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा, लेकिन प्रभु आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अब ऐसा हुआ कि रामानुजाचार्य, उनका आज भी एक गार्डन है उनका, तो उस बगीचे में विश्राम कर रहे थे रात्रि को, तब उन्हें क्या जगन्नाथ जी आए और कहने लगे कि आपको बहुत ज्यादा नियम कानून बताना है, बहुत सारे नियम कानून आपको दिखाना है, ठीक है, अगर आपको नियम कानून इतना दिखाना है, जाओ वो जंगल में जाओ, जंगली लोगों को नहीं के जाके ट्रेनिंग दो, मेरे पंडाओं को परेशान मत करो, मेरे पंडे ही मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, और जब वो मेरे को देने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो जगन्नाथ जी का अपना पंडाओं के प्रति जो प्रेम है वो उसमें दर्शा रहे हैं। और रामानुजाचार्य को उठाया और उठा के डायरेक्ट रख दिया कहाँ पे, कुर्म क्षेत्र में, जहाँ पे कुर्म अवतार का एक बहुत बड़ा मूर्ति था, जिसको वहाँ के जंगल के लोग कोई देवी देवता सोच के करके कुछ तो काम पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पे आए और कहने लगे, जब सुबह आंखें खुले तो देखा कि जंगल के बीच में, बोले ये कहाँ मैं हूँ, तो फिर उनको पता चल गया कि ये जगन्नाथ जी का लीला है। तो वहाँ पे जाके वो जंगली लोगों को उनको ट्रेंड किया और उस जगह को कुर्म क्षेत्र नाम पे आज प्रसिद्ध है, वो आज वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी दिखाते हैं कि वो अपने पंडाओं को कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। कभी कभी हम लोग जाते हैं और जगन्नाथ जी के पंडाओं का जो व्यवहार है उससे रुष्ट हो जाते हैं और लोग गाली देते हैं, लेकिन नहीं, जगन्नाथ जी के जो पंडा हैं वो साक्षात जगन्नाथ जी के बाल गोपाल, जो उनके सखागण हैं, तो इसीलिए उनके जो भी व्यवहार को हमको बुरा नहीं लगना चाहिए हमको, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के साक्षात सखा हैं, इसीलिए उनको हमको बहुत ज्यादा सम्मान देना आवश्यक है। तो इस लीला के माध्यम से हम ही सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।